वेलकम टू संदीप प्रियाज किचन। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड फ्रूट केक विदाउट यूजिंग एग, कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर और कर्ड। ये केक बहुत ही स्पॉन्जी और लाइट बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसका टेस्ट तो लाजवाब है। तो देर किस बात की, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, पाउडर्ड शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बाउल में लेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने टूटी फ्रूटी और काजू बादाम लिया है। अब हम ये ड्राई फ्लावर में से थोड़ा सा फ्लावर को टूटी फ्रूटी में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से ना ये टूटी फ्रूटी जो है, जब आप इसे बैटर में डालोगे ना तो इवनली फैल जाता है, आप डायरेक्टली डालोगे ना तो नीचे तले पे जाकर बैठ जाता है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स में भी मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, मिल्क, वेनिला एसेंस। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना है, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें एग्स भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये केक का बैटर बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी और काजू बादाम और इसे भी हम लाइटली मिक्स कर लेंगे। इसे हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, जस्ट लाइटली मिक्स कर लेना है। अब ये केक का बैटर बनकर तैयार है। अब हम लेंगे केक मोल्ड। यहाँ पे मैंने मोल्ड को बटर पेपर डाल के बटर से ग्रीस करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे केक का बैटर। अब हम ये केक टिन को लाइटली टैप कर लेंगे और इसके ऊपर से टूटी फ्रूटी से डेकोरेट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डेकोरेट करने से ना ये केक जो है और भी टेम्पटिंग दिखेगा। अब हम इसे बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 30-40 मिनट्स तक। वाओ, ये देखिए केक बनकर तैयार है। अब हम टूथपिक से चेक करेंगे, टूथपिक क्लीन निकला है, इसका मतलब केक परफेक्ट बेक हुआ है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। वाओ, ये देखिए केक बहुत परफेक्ट बेक हुआ है और बहुत ही स्पॉन्जी बना है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए टी टाइम स्नैक पर। और आप ये केक को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल सकते हो, उनको भी ये केक बहुत पसंद आएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है केक, है ना, बहुत ही सिंपल एंड ईजी डिलीशियस। तो देर किस बात की, आप लोग भी ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए आपके फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।